हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपने मोबाइल से ही एक प्रोफेशनल जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस, चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि आप किस तरह से जीमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे। सबसे पहले गाइस, आपको अपने मोबाइल में ही जीमेल को ओपन कर लेना है, ठीक है। आप कई जगह से आप जा सकते हैं, लेकिन आप जीमेल ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर टाइप कीजिएगा। उसके बाद ऐड अनदर अकाउंट का एक ऑप्शन आ जाएगा नीचे, यहाँ पर देखेंगे और यहाँ से भी जा सकते हैं, नहीं तो आप चले जाइएगा अपने मोबाइल के सेटिंग में। चलिए हम आपको बता दें कहाँ से सेटिंग में जाइएगा, और सेटिंग में जाने के बाद आपको अकाउंट का एक ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पर अकाउंट में जाइएगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे में स्क्रॉल करिएगा तो आपको ऐड अकाउंट का ऑप्शन नज़र आएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसका गूगल का जीमेल जो है गूगल का है, तो आपको गूगल को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ गया, अगर आपने अपने मोबाइल में पिन डाल रखा है सिक्योरिटी पिन, तो आपको पिन डालना पड़ेगा, ठीक है। आप अपना मोबाइल का पिन डाल देंगे, कंफर्म कर देंगे और ये आगे प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद माई सेल्फ करना है, ठीक है। अगर बिजनेस के लिए बना रहे तो आप बिजनेस के लिए कर सकते हैं, नहीं तो माई सेल्फ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर अपना नेम दे देना है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल, और मैंने एग्ज़ाम्पल दे दिया है। और सर नेम ऑप्शनल में है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, तो नहीं तो जाने रहने दें। उसको एग्जांपल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ चुन लेंगे, जो भी होगा आपका डेट ऑफ बर्थ वो आप यहाँ पर चुन लेंगे, ठीक है। यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और यहाँ पर जेंडर डाल देंगे, और उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गाइस, आप अपना जो जीमेल अकाउंट जिस तरह से रखना चाहते हैं वो अवेलेबल है तो मिल जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ info.example, ठीक है, एग्ज़ाम्पल, और मैंने यहाँ रख दिया है। अगर ये अवेलेबल होगा तो नेक्स्ट करते ही आ जाएगा, नहीं तो मेरे पास देखो यहाँ पर आ गया। तो ये कि ये काफ़ी लोगों ने यूज़ किया है, example.in हम IN कर देते हैं सामने में। अब ये अवेलेबल था तो मुझे मिल गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना आप पासवर्ड डाल लीजिएगा, जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हैं, ठीक है, XYZ जो भी आप पासवर्ड डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। चलिए यहाँ गए, हम अपना पासवर्ड डाल लेते हैं, ठीक है। आप अपना पासवर्ड डाल दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो चुका है। उसके बाद यस आई एम इन, और यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। बस कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर एक जीमेल क्रिएट कर सकते हैं, आई एग्री। तो गाइस, ये जीमेल अकाउंट क्रिएट हो चुका है। बस इसमें आपको अपना दो काम करना होगा, एक रिकवरी मेल आपको डाल लेना है, एक फ़ोन नंबर रिकवरी में डाल लेना। तो वो कैसे डालेंगे, चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए गाइस, आपको अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर लेना है, जीमेल ओपन करना है। और जीमेल में जाने के बाद गाइस, जो आपने जीमेल क्रिएट किया है जिस पे आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, और उसके बाद जिसमें आप रिकवरी मेल लगाना चाहते हैं, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद मैनेज योर अकाउंट पे जाइएगा, ठीक है, और मैनेज योर अकाउंट पे जाइएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन नज़र आ रहा है, सिक्योरिटी में जाइएगा। और उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिएगा, नीचे में यहाँ पर रिकवरी फ़ोन नंबर दिया गया है, और यहाँ पर रिकवरी फ़ोन नंबर आप डाल दीजिएगा, और उसके बाद रिकवरी ईमेल डाल दीजिएगा। इससे क्या है, रिकवर हो जाएगा। कभी कोई आपके जीमेल हैक करेगा तो आप यहाँ आसानी से रिकवर कर सकते हैं, या पासवर्ड भूल जाते हैं तब भी आप यहाँ से आसानी से रिकवर कर सकते हैं। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उसके साथ में अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से सब्सक्राइब कर लें। थैंक फॉर वॉचिंग।